नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। पाकिस्तान के अंतिम नागरिक सैफुल्ला पारचा क्यूबा में अमेरिकी हिरासत शिविर से रिहा होने के बाद शनिवार को अपने देश लौट आया। पारचा को लगभग 20 सालों से ग्वांतानामो बेस डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। ईवीएम में पार्टी के चुनाव चिन्ह को हटाने वाली याचिका पर 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने ईवीएम से चुनाव चिन्ह हटाकर उम्मीदवारों के नाम, उम्र, शैक्षणिक योग्यता और फोटो लगाने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर बोले, इंटरनेट को खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना चाहती है केंद्र सरकार। आतंकवाद विरोधी संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में भारत ने दिया बड़ा योगदान का भरोसा, 5 लाख अमेरिकी डॉलर देगा भारत। असम में डायरेक्ट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन की टीम को बड़ी सफलता मिली। विजिलेंस की टीम ने 90,000 रुपए की रिश्वत लेते वक्त असम सरकार में अतिरिक्त संयुक्त सचिव के शर्मा को गिरफ्तार किया। उनके घर से 49 लाख रुपए भी बरामद किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को पुलिस कर्मियों को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक। इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट इंजन का किया सफल परीक्षण। वन वेव के उपग्रहों को लॉन्च करने में मिलेगी मदद। सोशल मीडिया बन रहा है आतंकवादियों का हथियार। यूएनएससी की विशेष बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान का बिना नाम लिए कसा तंज। नौकरी देने के मामले में भारतीय रक्षा मंत्रालय बना नंबर 1। अमेरिका और चीन जैसे देशों को छोड़ा पीछे। पिछले 4 महीनों के दौरान घरेलू उड़ानों में तकनीकी खामी की 10 घटनाएं सामने आई। उड्डयन मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा की तैयारियों की समीक्षा की, साफ सफाई के दिए विशेष निर्देश। बिहार के औरंगाबाद में छठ पूजा का प्रसाद बनाते समय सिलेंडर फटा, जिसमें 34 लोग हुए घायल। छठ पूजा के लिए दिल्ली में यमुना के बाद भलसवा झील की कराई गई सफाई, दिल्ली के एलजी ने दी जानकारी। अमृतसर में पाकिस्तान सीमा पर मिली 1 किलो हीरोइन ड्रोन के जरिए कटीली तारों के पास गिराई गई थी बंडल। हिसार पुलिस और निगम कर्मियों के बीच हुई झड़प। पुलिस के वाहन को पंचर करने के मामले में 150 हड़ताली कर्मचारियों पर किया गया केस दर्ज। हरिद्वार में कूड़ा बीनने का काम कर रही थी आतंकवादी की पत्नी, पुलिस ने जांच के बाद किया गिरफ्तार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के आदेश से पूरे राज्य में मचा हड़कंप। भ्रष्ट ऑफिसरों पर कार्रवाई हुई आरंभ। एसीबी ने आय से 28.65% अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में रांची के हेहल अंचल के अंचलाधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज की। इंदौर में चोरी के शक में तालिबानी सजा सुनाई गई। आरोप के शक में गाड़ी से बांध कर सड़क पर घसीटा। बीजेपी के पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने नाम लिया वापस, हिमाचल प्रदेश से भरा था नामांकन पत्र। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के बाद अब चौधरी लाल सिंह समेत कई राजनेताओं को सरकारी आवास खाली करने का दिया गया नोटिस। बंगाल में पंचायत चुनाव की गहमा गहमी हुई तेज, 2 नवंबर को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा कि आधिकारिक गोपनीयता कानून के तहत पुलिस थाना प्रतिबंधित जगह के रूप में शामिल नहीं है, इसलिए पुलिस थाने के अंदर वीडियो बनाना अपराध नहीं हो सकता। उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता पर गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, विशेष समिति का गठन करने को मिली मंजूरी। राजस्थान के नाथद्वारा में दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का आज राम कथावाचक मुरारी बापू द्वारा लोकार्पण किया गया। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार सहजन के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इससे फैट कंट्रोल रहता है, साथ ही ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा सहजन के पत्ते में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम भी पाया जाता है। इसके सेवन से कई फायदे हो सकते हैं, इसलिए इसका सेवन जरूर करें। इंडियन ऑयल में निकली है 265 पदों पर भर्ती। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट oicl.com पर 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।